नमस्कार, YouTube चैनल आर के ज्योतिष 2 में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि ऐसी मान्यता है कि हनुमान जी से जुड़ा कोई भी मंत्र या पाठ अन्य किसी भी मंत्र से अधिक शक्तिशाली होता है। हनुमान जी अपने भक्तों को अपनी उपासना के फल में बल और शक्ति प्रदान करते हैं। आज हम विशेष रूप से सुंदरकांड के पैर पाठ का महत्व और उनसे मिलने वाले लाभ के बारे में बात करेंगे। भक्तों द्वारा हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ किया जाता है। हनुमान चालीसा बड़े से लेकर बूढ़ों तक और बच्चों को जल्दी से याद हो जाता है। लेकिन हनुमान चालीसा के अलावा यदि आप सुंदरकांड का पाठ के लाभ को जान लेंगे तो धर्म तो इसे रोजाना पसंद करेंगे। हिंदू धर्म की प्रसिद्ध मान्यता के अनुसार सुंदरकांड का पाठ करने वाले व्यक्ति की मनोकामना बहुत जल्द पूर्ण हो जाती है, लेकिन थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ता है। भगवान हनुमान जी उनकी परीक्षा लेते हैं। उनके घर में थोड़ी सी परेशानी होती है, लेकिन उनको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि उनकी मनोकामना पूर्ण नहीं होगी। ज़रूर होगी, उनकी मनोकामना ज़रूर पूर्ण होगी। सुंदरकांड तुलसीदास जी द्वारा लिखी गई रामचरितमानस के 7 अध्यायों में से 5वां अध्याय है। रामचरितमानस के सभी अध्याय भगवान की भक्ति के लिए है, लेकिन सुंदरकांड का महत्व बहुत ही अधिक बताया गया है। जहाँ एक और संपूर्ण रामचरितमानस में भगवान के कई गुणों को दर्शाया गया है, उनकी महिमा बताई गई है, लेकिन दूसरी ओर रामचरितमानस के सुंदरकांड की कथा सबसे अलग है। इसमें भगवान राम के गुणों की नहीं बल्कि उनके भक्त के गुणों की और उसकी विजय की बात बताई गई है। सुंदरकांड का पाठ करने वाले भक्त को हनुमान जी बल बुद्धि प्रदान करते हैं। उसके आसपास कभी भी कोई नकारात्मक शक्ति भटक नहीं सकती। इस तरह की शक्ति उनको प्राप्त हो जाती है। और यह भी माना जाता है कि जब वह भक्त उस भक्त का आत्मविश्वास कम हो जाए, वो निराश हो जाए, तो उसके जीवन में कोई काम भी अगर नहीं बन रहा हो तो सुंदरकांड का पाठ करने वाले व्यक्ति के सभी काम अपने आप ही बनने लगते हैं। समय आने पर अगर नहीं बन रहे तो समय आने पर बनेंगे, ज़रूर बनेंगे। शास्त्रीय मान्यता के अनुसार विज्ञान ने भी सुंदरकांड के पाठ को बहुत ही समझाया है। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों की राय के अनुसार सुंदरकांड का पाठ भक्त के आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति को बढ़ाता है। इस पाठ की एक एक पंक्ति और उससे जुड़ा अर्थ भक्त को जीवन में कभी हार न मानने के अनुसार किसी भी बड़ी परीक्षा में सफल होना हो तो उससे पहले सुंदरकांड का पाठ अवश्य करना चाहिए। कोई भी महत्वपूर्ण कार्य जा रहे हैं तो सुंदरकांड का पाठ अवश्य करवाना चाहिए। यदि संभव हो तो विद्यार्थियों को सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। यह पाठ उनके लिए भीतर आत्मविश्वास को जगाएगा और उन्हें सफलता के और करीब ले जाएगा। आपको शायद मालूम न हो, लेकिन यदि आप सुंदरकांड के पाठ की पंक्तियों के अर्थ उनके अर्थ को जानेंगे तो आपको यह मालूम होगा। इसमें जीवन की सफलता के सूत्र भी बताए गए हैं। यह सूत्र यदि किसी व्यक्ति अपने जीवन पर अमल करे तो असफल होने से उन्हें कोई नहीं रोक सकता। इसलिए यह राय दी जाती है कि रामचरितमानस का पूर्ण पाठ कोई न कोई अगर कर सके तो कम से कम सुंदरकांड का पाठ तो अवश्य ही करना चाहिए। सुंदरकांड का पाठ, यह कहा जाता है कि जब रामायण का पाठ रखा जाए उस समय पूर्ण पाठ में से सुंदरकांड का पाठ घर के इसी सदस्य को करना चाहिए। इससे घर में सकारात्मक शक्ति का प्रवाह होता है। ज्योतिष के नज़रिए से देखते हैं तो यह पाठ घर के सभी सदस्यों के ऊपर मंडरा रहे अशुभ ग्रहों का छुटकारा भी दिलाता है। यदि स्वयं पाठ न कर सके तो खुद करें, कम से कम 21 पाठ करें, लगातार करें। अगर न कर सके तो कई भक्त रोज करते हैं,
अगर नहीं कर सके तो सुन ले। सुनने से भी यह पाठ बहुत फर्क पड़ता है, इससे अशुभ ग्रहों का दोष दूर होता है। सुंदरकांड का पाठ अगर हम कर सकें तो आध्यात्मिक लाभ मिलता है, आत्मा शुद्ध होती है। सुंदरकांड का पाठ करने से आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए तैयार हो जाती है। मनुष्य इस जीवन में जो करने आया है वही करता है, और सुंदरकांड का पाठ करने से आत्मा की शुद्धिकरण होता है। सुंदरकांड का पाठ एक तरह से एक तीर से कई निशाने लगाने का काम सुंदरकांड का है। यह पाठ करने से रोग मुक्त होता है आदमी, इससे आपकी दरिद्रता भी खत्म होती है। अगर कोई व्यक्ति लगातार सुंदरकांड का पाठ करता है तो उसे अनेक लाभ मिलते हैं। सुंदरकांड पाठ रोज करने से मानसिक सुख शांति प्राप्त होती है। वह आदमी ऐसा लगता है कि उसे कोई दुख है ही नहीं, कोई परेशानी है ही नहीं, उसकी आत्मा एकदम शुद्ध होती है। अगर आप किसी ऐसी जगह पर रहते हैं जो सुनसान है और आपको हमेशा किसी अनहोनी का डर लगता है, तो आप सुंदरकांड का पाठ अगर करते हैं रोज तो आपके आसपास आने वाली कोई भी समस्या दूर हो जाएगी अपने आप। अगर आपके बच्चे आपकी बात नहीं मानते हैं और बड़ों का आदर नहीं करते हैं, तो आप अपने बच्चों को सुंदरकांड का पाठ करने के लिए कह सकते हैं। अगर वे संस्कारों को भूल गए हैं तो आप उन बच्चों को सुंदरकांड पाठ करवाएं, उससे उसकी बुद्धि ठीक हो जाएगी। अगर आपके पास बहुत सारा कर्जा हो गया है तो आपको सुंदरकांड का पाठ करेंगे तो आपको कर्जे से मुक्ति भी मिलने शुरू हो जाएगी। अगर आपको रात को डर लगता है तो सुंदरकांड का पाठ करें। इस तरह से हनुमान जी का आपके ऊपर कृपा रहेगा और आपके मन से भय समाप्त हो जाएगा। ठीक उसी तरह से सुंदरकांड का पाठ करने से मन के भय से मुक्ति मिलती है। सुंदरकांड का पाठ करने से हनुमान जी की कृपा बनी रहती है। सिर्फ हनुमान जी नहीं, भगवान राम की भी कृपा बनी रहती है। यदि आप दोनों भगवान की कृपा पाना चाहते हैं तो सुंदरकांड का पाठ अवश्य करें। सुंदरकांड का पाठ करने से ग्रह क्लेश में मुक्ति मिलने लगती है। समय अगर विपरीत चल रहा है तो जैसे ही समय अच्छा आना शुरू हो जाएगा तो ग्रह क्लेश अपने आप मिट जाएगा। इसका पाठ करने से सकारात्मक शक्ति घर में अपने आप आ जाएगी, जिससे घर में पैदा होने वाली नकारात्मक शक्तियाँ दूर हो जाएगी। यदि विद्यार्थी सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो उन्हें उनके जीवन में सफलता जरूर मिलती है। उनका मन पढ़ाई में लगता है, वो परीक्षा में अंक अच्छे आते हैं, इसलिए विद्यार्थियों को सुंदरकांड का पाठ जरूर करना चाहिए। घर में सकारात्मक शक्तियों का वास हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि सुंदरकांड का पाठ करने से घर में माहौल सकारात्मक और प्रेमपूर्वक रहता है। यदि सुंदरकांड का पाठ घर के किसी सदस्य के द्वारा होता है तो बहुत अधिक फायदेमंद होता है। अशुभ ग्रहों को ये सुंदरकांड का पाठ दूर करता है। सुंदरकांड का पाठ करने से अशुभ ग्रहों की स्थिति को बहुत ही शुभ बनाया जा सकता है, इसलिए रोज सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। भाग्यशाली लोग ही सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, अन्य लगातार सुंदरकांड का पाठ नहीं कर सकता। ईश्वर की इच्छा के बिना कुछ होता ही नहीं है। तो आप मुझे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।